पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी मौसम विज्ञान के प्रमुख डॉक्टर प्रभजोत कौर सिद्धू ने दसिया है कि आने वाले दिनों च बरसात होने तो बाद मौसम साफ होने की संभावना है। हालांकि लोगों को धुंध का सामना करना पैना है। उन्होंने दसिया कि मैदानी इलाकों च हल्की और पहाड़ी इलाकों च भारी बरसात हो रही है। बीते कुछ दिनों च रात के तापमान च बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्थे ही उन्होंने रुक रुक के हो रही बरसात नूं कणकां लई फायदेमंद दसिया। जिहड़ा ये सिस्टम कल तो पूरे पंजाब दे विच शुरू होया है, ये एक लो प्रेशर एरिया जिन्हों के असी वैस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहने हैं उहदे करके होया है, पर ये कोई ज़्यादा स्ट्रोंग सिस्टम नहीं है। ये नाल पंजाब दे जिहड़े नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैगे ने या सेंट्रल पंजाब तक उन्हां दे विच गरज चमक दे नाल छिट्टे ते किते किते गड़े दी भी फोरकास्ट हैगी है, नाल तेज़ हवावां दी है। पर यह सिस्टम क्योंकि शॉर्ट लिव्ड होने करके सिर्फ 24 घंटे तक एक्टिव रहेगा, उस बाद फिर दोबारा क्लीयर वैदर दी है ते नाल फॉगी भी हो सकता हैगा, क्योंकि इस सिस्टम दे नाल ज़्यादा जम्मू कश्मीर ते हिमाचल दे पहाड़ां दे विच बरसात ते बर्फबारी दी हुई है ते उहदे बाद फिर थोड़ी शीतलहर चलन दे नाल तापमान दे विच गिरावट दी भी फोरकास्ट है। नहीं, ये जड़ी बरसात क्योंकि लाइट टू मॉडरेट बारिश हुई है, सो ये बरसात जड़ी हैगी है कणक की फसल वास्ते लाहेवंद है, क्योंकि इस वेले जे कि तुहानू पानी लगाने की जरूरत हो रिक्वायरमेंट मीट कर जाती है। एंड इन्हां दिनां च क्योंकि थोड़ा ठंडा भी ज़्यादा चल रहा है, सो ये एक तो टैंपरेचर पहले थोड़े जे राइज कर गया तो वह बाद बारिश पैन दे नाल ओवरऑल साड़ी कणक की फसल वास्ते ये लाहेवंद है। सारियां तकरीबन जिन्नियां भी सर्द रुतियां सब्जियां ने या होर फसलां ने उन्हां सारियां वास्ते ये मौसम जिहड़ा हैगा है उहदा कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हैगा। नहीं, फिलहाल काफ़ी नॉर्मल चल रहे सी। पिछले दिनों इस वारी साडे टैंपरेचर काफ़ी लो रिकॉर्ड किए गए, उहदे विच कोल्ड डेज़ भी आए, कोल्ड नाइट्स भी आईयां, पर हुण जिहड़े आ टैंपरेचर थोड़े वधने शुरू हो गए सी। मैं अपने ये मोढ़िया ते गोढ़िया तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैं फिर रिलीफ मिले है 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियाँ तक का इलाज कर सकता है। फीर लीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फीर लीफ वाले दस्या, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसीं सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगान नाल मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो वह भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।